दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजीत सिंह राठौड़, इस सिस्टम का डायमंड। आज आप सब लोगों का यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, अपनी डाउनलाइन के द्वारा इसको सब्सक्राइब कराएं, आपके मिलने वालों के द्वारा इसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आपके लिए बना है। मैं हमारे सभी सीनियर लीडर्स और सभी कोर लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों कि उन्होंने आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो प्रयास किया है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आप दोस्तों पिछले 10 मई से आप लगातार शाम 4 से 5 बजे तक किसी न किसी एक कोर लीडर को सुनते आ रहे हैं। मेरा भी बीच में प्रोग्राम था 14 मई को, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दोस्तों मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया, आप मुझे सुन नहीं पाए, उसके लिए मुझे खेद है। आज मैं आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों से बातें करूँगा, मैं बातें करूँगा कि मेरा जो बचपन कैसा गुजरा, आज मेरी स्थिति क्या है और आने वाले समय में मैं कहाँ होऊंगा, ये सारी बातें मैं आज आपसे करूँगा दोस्तों। दोस्तों मैं बात अपनी शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरा जन्म राजस्थान के अलवर शहर में हुआ है। मैंने 1st से लेके 8th क्लास तक यानी मैट्रिक मैंने निमाज पाली डिस्ट्रिक्ट में किया, और मैट्रिक करने के बाद मैंने, चूँकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था इसलिए मैंने 9th-10th नीम का थाना सिक्कर से किया। हमारे निमाज में साइंस बायोलॉजी नहीं थी। नीम का थाना में मेरे मामा जी डॉक्टर थे, मैं उनके पास चला गया और मैंने सेकेंडरी मैंने वहीं से की। और दोस्तों हायर सेकेंडरी उस ज़माने में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी भोपाल नोबल उदयपुर से मैंने ये मेरी हायर सेकेंडरी की शिक्षा पूरी की। और उसके बाद में 1st ईयर 2nd ईयर मैंने HD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से किया, और फाइनल ईयर फाइनल BSc मैंने DAV कॉलेज अजमेर से किया। और अजमेर DAV कॉलेज से मैंने करने के बाद में मैट्रिक ये डिग्री करने के बाद में दोस्तों मेरी शादी हो गई। 1982 में मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद में दोस्तों मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए, लिखित एग्ज़ाम दिए नौकरी प्राप्त करने के लिए। मैं रिटर्न मैंने क्लियर किया, लेकिन संजोग से मैं दोनों तीनों में इंटरव्यू में रह गया। हो सकता है मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मेरी नौकरी लिखी हुई नहीं थी। और दोस्तों उसी दरमियान में 1983 में मेरा एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए लाचू कॉलेज जोधपुर में एडमिशन हो गया, और मैंने वहाँ से फार्मेसी में डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा करने के बाद दोस्तों मेरा जो व्यापार, मेरा मेडिकल का स्टोर, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन मेडिकल स्टोर मैंने मेरे गांव निमास से में ही सेटल किया 85 में। और 85 में मेडिकल के साथ साथ ही मैंने 87 में मेरा एक्सरे एंड लैब का काम भी यहाँ पे शुरू कर दिया दोस्तों। मेरा काम अच्छा चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ठीक ठाक परिवार से था। मेरे फादर रास्ता रोडज में डिपो मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए दोस्तों, मतलब अच्छा खासा हमारा स्टेटस था। और फिर मैंने मेडिकल स्टोर कर लिया, इससे भी मेरी अच्छी खासी इनकम आ रही थी। लेकिन कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि यार ये भी कोई लाइफ है, दुकान से घर, घर से दुकान। और कभी कभी तो स्थिति ये होती थी दोस्तों कि हमें रात को भी 3-3, 4-4 दफ़ा उठ के जाके मेडिसिन देने जाना पड़ता था। और कभी कभी तो स्थिति ये होती थी कि एक व्यक्ति को मेडिसिन दे के आए और जो ही सोते थे नींद लगती थी और वापस दोबारा कोई आ जाता और बैल बजाता कि मुझे दवाई चाहिए। तो दोस्तों रात को उनको भी जाके दवाई दे के आने पड़ती, मतलब कभी कभी मुझे 4-4, 5-5 दफ़ा रात को उठना पड़ता था। तो ये सोचता था कि यार ये कोई जिंदगी है नहीं, ये भी कोल्लू के बेल वाली ज़िंदगी थी दोस्तों। अजीब तरह की ज़िंदगी थी, ना कहीं बाहर जाना ना कहीं आना, क्योंकि हमारे मेडिकल का आपको लोगों को पता होगा
कि हमारे एजेंट लोग आते हैं, वो ऑर्डर ले जाते हैं और माल भेज देते हैं, नेक्स्ट दफ़ा जब आते हैं पेमेंट ले लेते हैं, फिर ऑर्डर ले लेते हैं, लिख लेते हैं और ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारी मेडिसिन हमारी दुकान तक पहुँच जाती है। यानी हमें कहीं बाहर आने जाने का काम भी नहीं पड़ता था, ऐसा ही रूटीन रोज चल रहा था, कोल्लू वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक दोस्तों 2000 में मुझे एक समाचार मिलते हैं कि मेरा दोस्त ओपी शर्मा मुझसे मिलने आ रहा है। और दोस्तों जब मुझे पता चला कि वो मुझसे मिलने आ रहा है तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था, दोस्त इस तरह का था दोस्तों कि हम लोग ब्यावर के एचडी गवर्नमेंट कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, और साथ साथ पढ़ते पढ़ते जब मैंने टीसी कटा के फाइनल के लिए मैंने डीयू कॉलेज अजमेर में एडमिशन लिया, और जब मेरे दोस्त को पता चला कि विजेंद्र सिंह ने अपनी टीसी कटा ली है और डीएवी कॉलेज अजमेर में एडमिशन ले लिया, तो दोस्तों उस व्यक्ति ने भी अपनी टीसी कटाई और डीएवी कॉलेज अजमेर में उससे भी एडमिशन ले लिया। मेरा एडमिशन लेने का रीज़न जरूर सब था, मेरा रीज़न ये था कि मेरे छोटे ब्रदर का एडमिशन एचडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में नहीं हुआ और उसका एडमिशन डीएवी कॉलेज अजमेर में हुआ, अतः मुझे वहाँ जाना था, क्योंकि दोनों ब्रदर एक जगह रह लेंगे, एक साथ पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ओपी शर्मा खा ड्यू टू मेरे कारण कि विजेंद्र सिंह ने अपनी टीसी कटा ली है और वो डीएवी कॉलेज अजमेर में उसने एडमिशन ले लिया है, उसने भी अपनी टीसी कटाई और दोस्तों वो भी अजमेर आ गया। हम एक जगह रहते थे, पास पास में हमारे रूम थे, मतलब बहुत अच्छा मेरा जिगरी दोस्त था। अगस्त 2000 में मैसेज आए और अक्टूबर 2000 में दोस्तों वो व्यक्ति मेरे पास आया। मुझे पता था कि वो राजस्थान सरकार में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे सर्विस कर रहा है, मुझे पता था कि वो एक अच्छी खासी पोस्ट पे उसकी सर्विस है। उस वक्त उसकी 25,000 की सैलरी हुआ करती थी दोस्तों, वो उस वक्त मारुति 800 मेंटेन किया करता था, मतलब अच्छा खासा स्टेटस था उसका। अक्टूबर में जब वो मेरे पास आया तो दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि उसके हाथ में एक पेपर बॉक्स है। वो मेरी शॉप तक आया, आके बैठा, पानी चाय पीने के बाद में उसने मुझे कहा, उस पेपर बॉक्स को खोला और उस पेपर बॉक्स में दोस्तों 5 पेंटों के पीस थे। उसने निकाला और मुझे कहा कि विजेंद्र सिंह बहुत अच्छा एक बिजनेस आया है, तू भी कर ले। मैंने कहा यार ये कपड़े बेचने का काम तूने कब से शुरू कर दिया, तेरे तो अच्छी खासी पोस्ट है, तू जॉइन डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है और तू ये कपड़े बेचने का काम कब से करने लग गया। तो दोस्तों उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तू जो सोच रहा है वो गलत है। उसने मुझे कहा कि विजेंद्र सिंह बहुत अच्छा बिजनेस है, तू भी कर ले। मैंने कहा अरे कपड़े बेचने का काम तो कब से करने लग गया, और मेरा मेडिकल स्टोर का काम है, लेक्चर लैब का काम है, मैं ये कपड़े बेचने का काम करूँगा क्या। दोस्तों मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा तेरी अच्छी खासी पोस्ट है, तू जॉइन डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है, अच्छी खासी तेरी सैलरी है, फिर ये छोटे मोटे काम। तो उसने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है, हकीकत है, तो उसको कर ले। दोस्तों मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरे लायक काम नहीं, तो और किसी को पकड़। दोस्तों वो घर चला गया, सेकंड दफा फिर आया, फिर आके मुझसे कहने लगा बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, कर ले। मैंने कहा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, हमारे क्लास फेलो, हमारे साथ साथ में साथ क्लास में पढ़ने वाले बहुत से दोस्त थे और बहुत से लोग नमाज के ही हैं। मैंने उसको नाम बताया, मैंने कहा तू उनको पकड़ ले, उनको जरूरत भी है, उनको काम की जरूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छा खासा सेटअप है, मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम है, तू और किसी को बता दे, हो सकता है उनके काम आ जाए। दोस्तों मैंने मना किया सेकंड दफ़ा, फिर वो चला गया, लेकिन तीसरी दफ़ा बंदा फिर आया और आके मुझसे बोलने लगा कि इस पे साइन कर, एक फार्म निकाला और फार्म निकाल के मुझसे कहा इस पे साइन कर। और दोस्तों मैंने उस फार्म पे साइन किए। आज मैं सोचता हूँ कि उस दिन अगर वो साइन नहीं करता तो दोस्तों करोड़ों रुपए जो इस सिस्टम ने मुझे दिए, पैसे तो दिए ही दिए, पैसे तो हो सकता है मैं और कहीं से भी कमा लेता, करोड़ों रुपए सिस्टम ने दिए, लेकिन दोस्तों जो नाम दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, शायद मुझे और कहीं
ये ऐसा चीज, ऐसे ये मान सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता था जो इस सिस्टम ने मुझे दिया। और उस दिन अगर मैं वो साइन नहीं करता तो दोस्तों इन सब चीज़ों से मैं वंचित रह जाता। आज मेरा दोस्त इस दुनिया में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से भी कम नहीं है। मैंने फार्म पे साइन कर दिए, साइन करने के बाद में जैसा दोस्तों होता है बैठ गए, विश्वास नहीं था। विश्वास ये नहीं था कि ऐसे कोई बिजनेस चलेंगे क्या, ऐसा भी कोई होता है क्या। और एक दो दफ़ा ओपी शर्मा के मैसेज आए, फोन आए, उसने कहा विजेंद्र सिंह एक दफ़ा TCG से मिल ले, जो इस कंपनी के मालिक हैं उनसे एक दफ़ा मिल ले। और दोस्तों मैंने उनकी बात मानी, मैं उनके साथ भिलोड़ा गया, भिलोड़ा जाके TCG से मिला। एक दुबले पतले आदमी जब वो सामने बैठे थे, ओपी शर्मा ने कहा ये तिलोक चंद जी छाबड़ा साहब हैं। तो मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने कहा अच्छा आप हैं तिलोक चंद जी छाबड़ा साहब। दोस्तों उनको देखा, उनसे बातें की, उनकी बातें करने के बाद में, उनको सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई विजनरी व्यक्ति है, इनको दूर की दिखाई दे रही अभी। और दोस्तों मिलने के बाद में वास्तव में ऑफिस देखा, वहाँ का सेटअप देखा, देखने के बाद में मन में थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं यार ये चीज़ तो चलेगी, ये चीज़ तो चलेगी, ये बिजनेस तो चलेगा। और दोस्तों वहाँ से आके मैं लोगों से बातचीत करना शुरू किया, लोगों को प्लान बताना शुरू किया, कपड़ा दिखाना शुरू किया। लेकिन ये करते करते आप लोगों को पता होगा कि समस्याएं भी आने शुरू हो जाती हैं। समस्या कंपनी की तरफ से और अलग थी। उससे दोस्तों हमें किट लाना होता था तो भिलोड़ा जाना पड़ता था, ना ऐसे डिपो थे, ना कोई ऐसे पिकअप सेंटर्स थे, ना प्रोडक्ट्स थे। एक किट भी लाना होता था तो हमें भिलोड़ा जाना पड़ता था, लेकिन वो एक अलग समस्या थी। मेरे साथ जो समस्या शुरुआत हुई वो मेरे घर से हुई। घर से मेरे मदर फादर नाराज हो गए, मेरी मैडम नाराज हो गई। मेरे फादर मदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये क्या पता कौन से उल्टे सुलटे धंधे में पड़ गया है, मेडिकल स्टोर पे तो आजकल जाता है नहीं, और क्या पता कैसे उल्टे सुलटे काम में पड़ गया। लेकिन दोस्तों मुझे TCG से मिलने के बाद में विश्वास हो गया था कि ये सिस्टम चलेगा, ये बिजनेस चलेगा। मैं लगा रहा दोस्तों, और इसी दरमियान में अप्रैल 2001 में मेरे चेक की साइज़ थी 232,240 रुपये का। लेकिन दोस्तों मैं लगा रहा क्योंकि मुझे विश्वास था। और यूँ करते करते अजमी अप्रैल 2001 मेरे चेक की साइज़ थी 32,240 रुपये। दोस्तों उस वक्त चेक आया करते थे, मैं चेक लेके जब पिताजी के पास गया, उनको बताया कि मैंने पिताजी RSM से मुझे 32,240 रुपये का चेक मिला है। उस वक्त चेक आया करते थे, आज तो फंड ट्रांसफ़र होता है, उस वक्त चेक आते थे। वो चेक ले जाके जब मैंने उनको बताया कि मुझे इतना प्राप्त हुआ है, तो पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार इसमें कुछ लगाया भी नहीं, ना हमने कुछ पैसा लगाया, ना कोई दुकान खोली, ना हमने कोई स्टाफ रखा, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद में अगर 32,240 रुपये का चेक आया तो यानी तो काम तो अच्छा है, इसको करना चाहिए। मेरे फादर खुश, मदर खुश हो गए, लेकिन मैडम फिर भी नाराज थी, उनके दिमाग में फिर भी नहीं बैठ रही थी। और दोस्तों मुझे आज भी याद है कि जून 2001 का वो समय था, और कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा दोस्तों, माउंट आबू के होटल हिल्टन में वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को मुझे मेरे फैमिली सहित उसको अटेंड करने का मौका मिला। मैं उस प्रोग्राम में मैं था, मेरी मैडम थे, मेरी दो बच्चे थी, मेरे दो बच्चे थे। और वो प्रोग्राम इतना गजब का प्रोग्राम था दोस्तों, इतना बढ़िया प्रोग्राम था कि उस प्रोग्राम को देखने के बाद में मेरी जो लाइफ पार्टनर थी वो मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ पार्टनर आपकी बिजनेस पार्टनर बन जाए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आपको जब भी कभी मौका मिले, जब कभी भी मौका मिले, आप अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम फैमिली को बताते नहीं हैं, फैमिली को पता ही नहीं होता हमारे।
हमारे मदर फादर को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी मैडम को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अतः दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि आरसीएम क्या है। जब कभी भी आपको मौका मिले, जब कभी भी आपको ये वेबिनार सुनने का मौका मिले, तो आप अकेले न सुने, आपको आप अपनी मैडम को साथ लेके बैठे, अपने मदर फादर को साथ लेके बैठे, उनको भी ये वेबिनार सुनाएं। और दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूँ दोस्तों, जब आपको आप अपनी फैमिली को इसमें इनरोल कर देंगे, तो आपकी भी लाइफ पार्टनर आपकी बिजनेस पार्टनर बन जाएगी। और दोस्तों मैंने देखा है इस सिस्टम में जिन जिन लोगों ने, जो जो लोग इसको परिवार से इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। तीसरी समस्या दोस्तों उस वक्त मेरे साथ ये थी कि मेरी जो सेकेंड लेग थी वो बड़ी कमज़ोर चल रही थी, और कमज़ोर भी इतनी कमज़ोर थी दोस्तों कि मेरा जनवरी 2001 का बिजनेस 19 लाख का था, जिसमें बड़ी लेग का बिजनेस 18,40,000 का और छोटी लेग का बिजनेस मात्र 60,000 का बिजनेस था दोस्तों। अब मुझे आज भी याद आता है कि ऐसे में क्या किया जाए। मैं सोचता था यार सेकंड लेग को कैसे बड़ी की जाए, और मैंने महसूस किया कि मेरी जो अपलाइन थी वो मेरे एक लेग में तो काम कर रहे थे, लेकिन सेकंड लेग के लिए वो कतई इसमें काम करने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है उस वक्त भागचंद जी भाई साहब इस सिस्टम में आ चुके थे। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आपको अपनी सेकंड लेग में भी किसी की हेल्प चाहिए, किसी के द्वारा आपको हेल्प चाहिए, तो आप अपलाइन की अपलाइन को पकड़ लें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मेरी खाली दो ही अपलाइन थे इस पूरे सिस्टम में दो ही अपलाइन थे, एक मिस्टर ओपी शर्मा और दूसरी अपलाइन भागचंद जी छाबड़ा साहब। मैं भागचंद जी भाई साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर मेरी सेकंड लेग बहुत कमज़ोर चलती है, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह जी ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस है दिखाने का। करना क्या है, इसमें कपड़ा है, आप क्या करोगे, लोगों को सिखाओगे कपड़ा कैसे पहनना है। उन्होंने कहा ये करने का नहीं है, इनको पहन के दिखाओ, कपड़ा पहन के दिखाओ, जब कभी भी आपको मौका मिले तो ऐसे बड़े प्रोग्राम हो तो उन प्रोग्रामों में लोगों को ला के दिखाओ। और दोस्तों मैंने उनकी वो बात मानी, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। और कंपनी उस वक्त कंपनी को एक साल हो चुका था, कंपनी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भिलोड़ा के टाउन हॉल में 18-19 अगस्त 2001 को मनाने जा रही थी। मैंने मेरी भागचंद जी भाई साहब जो मेरे अपलाइन थे उनकी बात मानी, और अपने जो डाउनलाइन थे मिस्टर मेरे बहनोई धर्म सिंह शेखावत, उनको कहा कि आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भिलोड़ा टाउन हॉल में लेके आ जाओ। और दोस्तों उन्होंने भी मेरी बात मानी। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मैंने वही काम किया, अपलाइन से पूछा क्या करना चाहिए और डाउनलाइन को बताए ऐसे करना चाहिए, और अपने मस्त, और यूं करते दोस्तों वो प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम को मेरी सेकंड लेके कम से कम 10-15 लोग उस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम इतना आलीशान था कि सबसे पहले तो अंदर एंटर होते ही गेट के बाहर ही दो होंडा सिटी कार खड़ी, न्यू ब्रांड। और दोस्तों लोगों ने जब उन कारों को देखा, देखते ही सबके आग लग गई, यार आरसीएम से कारें भी आ सकती है। और फिर दोस्तों वो प्रोग्राम हुआ, 7-8 उसमें रॉयल्टी अचीवर्स थे, 1-2 टेक्निकल अचीवर्स थे, उनका सेलिब्रेशन था, आलीशान प्रोग्राम हुआ दोस्तों, जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। और मेरी पूरी जो 10-15 लोगों की टीम वहाँ आई हुई थी, सब में भयंकर आग लग गई दोस्तों, उनकी पूछ पे आग लग गई।
और उसका नतीजा ये हुआ कि ये प्रोग्राम अगस्त 2001 में हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मैं कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा दोस्तों, और दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था, और टेक्निकल पे पहुंचने पे दोस्तों मेरी जो चेक की साइज थी वो थी 1,41,000 रुपये। 1,41,000 रुपये मेरे चेक की साइज थी और मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था दोस्तों। आज ये बात मैं आपको यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे टेक्निकल पहुँचने में 13 माह लगे, कितना 13 माह, और कब लगे, जब इसमें मात्र कपड़ा एक प्रोडक्ट था, एक ही प्रोडक्ट कपड़ा था। आज आपके पास में कितने प्रोडक्ट हैं, 500-700 प्रोडक्ट हैं, 500-700 प्रोडक्ट हैं, और रोज कंपनी जो आपकी ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा दोस्तों कि कंपनी ने सैनिटाइजर लॉन्च किया है, हमारे गुड डोट वालों ने हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक पाउच लॉन्च किया है, यानी रोज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और आर्टसम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, आर्टसम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जरूरत का सामान ही हमें देती है। ऐसा मल्टीलेवल मार्केटिंग में ऐसी बहुत कम कंपनी होगी जो आपको आपकी जरूरत का सामान दे। दोस्तों यहाँ पे हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, साबुन, आटा, नमक मिलता है, शायद हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नहीं होगी जहाँ पे आपको ये FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो डेली यूज में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो खाली आर्टसम इस सिस्टम में मिलेंगे आपको, और कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था दोस्तों कि मुझे टेक्निकल लेने में 13 माह लगे जब एक कपड़ा था। आज आपके पास में 500 से 700 तक के प्रोडक्ट हैं और रोज़ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या अब अभी आपको 13 माह लगेंगे क्या? नहीं दोस्तों, अगर आप 100% विश्वास के साथ, 100% विश्वास के साथ आप इस सिस्टम में लग जाते हैं दोस्तों, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको 13 माह नहीं, आप इस मुकाम को 6 महीने में हासिल कर सकते हैं, 6 महीने में। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप 100% विश्वास करेंगे इस सिस्टम पे, आप 100% विश्वास करेंगे इस कंपनी पे, आप 100% विश्वास करेंगे आपकी डाउनलाइन पे, आप 100% विश्वास करेंगे आपकी अपलाइन पे, और सबसे बड़ा दोस्तों आप 100% विश्वास करेंगे अपने आप पे। और जिस दिन आप अपने आप पे 100% विश्वास करके इस सिस्टम में लग गए तो दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको डायमंड की पिन से कोई नहीं रोक सकता, डायमंड की पिन आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। तो दोस्तों आपको 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगना है, कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है दोस्तों, हमारे आलीशान प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है दोस्तों, हेल्दी है, हाइजीनिक है, शुद्ध है। हमारे न्यूट्रीचार्ज की पूरी रेंज हमारे साथ है दोस्तों, गुड डोट है, हमारे पास में हरी संजीवनी है, हमारे पास में हेल्थ गार्ड जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो विश्व स्तर के हैं, हमारे पास ट्रॉली बैग है, FMCG है, फुटवेयर है, अंडरगार्मेंट्स है, एवरीथिंग। और दोस्तों आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारे आर्टसम में सुई से लेके हवाई जहाज तक इसमें आएंगे, वो समय भी आएगा जब एवरीथिंग इस सिस्टम में आपको मिलेगी, प्रत्येक सामान, प्रत्येक गुड्स आपको इस सिस्टम में मिलेगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, अच्छे प्रोडक्ट है, आलीशान प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इसकी क्वालिटी में दम है और दाम बिल्कुल कम है। आप पता कर लेना मार्केट के प्रोडक्ट से और हमारे आरसे के प्रोडक्ट की तुलना करके देख लेना दोस्तों, बहुत से प्रोडक्ट की रेटें भी कम है, क्वालिटी सुपर क्वालिटी है दोस्तों। और जहाँ तक हमारे TCG के खुद के विचार होते हैं, उनके खुद के जो उद्गार, उनके खुद के जो सोच है वो है ही इसी रूप में, वो ये चाहते हैं कि अपने आर्टसम के प्रोडक्ट इस टाइप के बने कि हिंदुस्तान का अमीर से अमीर व्यक्ति भी उनको काम में ले, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो और रेट में इतने कम हो
कि हमारे हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको परचेज कर सके दोस्तों। तो आलीशान प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप हमारे इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। जहाँ तक कुछ लोग नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में, इस सिस्टम में नया कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों। हमें यहाँ पे दो चीज़ बदलनी होती है, हमें चर्चा और खर्चा, हमें खर्चा और चर्चा दो चीज़ें आपको चेंज करनी है। खर्चा आज तक आप लाखों करोड़ों रुपए का सामान इस मार्केट से ले चुके हैं, आप ले चुके हैं, आपके दादा परदादा उन्होंने क्या अब तक कितने लाखों करोड़ों का सामान इस मार्केट के द्वारा इस बाजार से खरीदा है दोस्तों, ना तो एक पैसा आज तक मिला ना एक पैसा मिलेगा। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर वो खर्चा आप आरसीएम के प्रोडक्ट आरसीएम में करना शुरू कर देंगे, और अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो उनकी चर्चा करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आपके घरों में भी लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। क्या लेना चाहेंगे? अगर वास्तव में दोस्तों आप लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, तो मैं कुछ छोटी छोटी आपको बातें बताऊंगा, उनको आप जरूर फॉलो करें। मैंने जैसा बताया दोस्तों कि ये आरसीएम रूपी ट्रेन जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है दोस्तों, इस सिस्टम ने अभी तक हजारों लोगों को अमीरपुर पहुंचा दिया है। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे टीसी सर अमीरपुर से भी आगे एक स्टेशन बना रहे हैं, उसका नाम है रईसपुर, और हम सब रईसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी चलेंगे? यस, अगर आप लोग भी हमारे साथ रईसपुर चलना चाहें तो दोस्तों हम कुछ समय के लिए आप लोगों का अमीरपुर में इंतज़ार कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे भी कहते हैं ना कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मज़ा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी, पूरे चमन में बाहर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम सभी मिलके एक साथ रईसपुर चलें, और तब तक हम आप लोगों का अमीरपुर में इंतज़ार कर रहे हैं, कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये जो ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है, इसके बीच में एक स्टेशन और आता है होशियारपुर, और दोस्तों मैंने उस होशियारपुर स्टेशन पे काफ़ी लोगों को उतरते हुए देखा है, बहुत से लोगों को देखा है इस होशियारपुर स्टेशन पे उतरते हुए। वो स्टेशन आप लोगों के भी सामने आएगा। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपके सामने जब वो स्टेशन आए तो कृपया उस स्टेशन पे उतरना नहीं है, आपको अपनी सीट पे चिपक के बैठे रहना है। मेरे सामने वो स्टेशन आया था दोस्तों, मुझे भी इस ट्रेन से उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं तो अपनी सीट से चिपक के बैठा रहा, इसलिए दोस्तों आज डायमंड की पिन पे हूँ। आप भी अपनी सीट से चिपक के बैठे रहना, आप भी डायमंड की पिन पे 100% पहुँच जाओगे, आप भी अमीरपुर 100% पहुँच जाओगे दोस्तों। दोस्तों ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्लीपर क्लास में हैं या आप जनरल कोच में हैं, या आप एसी थ्री टायर में हैं या टू टायर में हैं या फर्स्ट क्लास में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये ट्रेन चल रही है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम अमीरपुर से गरीब, जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रहा है, ये इस सिस्टम में जो भी बैठा रहेगा, इस ट्रेन में जो भी बैठेगा वो 100% अमीरपुर पहुंचेगा। तो दोस्तों कभी भी अपनी सीटों से इधर उधर उतरने चढ़ने की कोशिश न करें। जहां आप बैठे, जहां आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप वहीं बैठे रहें। ये सिस्टम आपको अमीरपुर लेके जाएगा, पक्का लेके जाएगा दोस्तों। जहां तक दोस्तों बात करूं कि इस सिस्टम को कैसे डेवलप करें, हमें इस सिस्टम में क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इस बिजनेस को आपको बनाना सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपको बिजनेस बनाना आ जाएगा, मुझे एक बात याद आती दोस्तों, मैं एक
एक बात से, एक कहानी से आप मेरी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था, काफी दुखी था और दुखी इतना था कि एक दफा उससे आत्महत्या करने की सोची और आत्महत्या करने के लिए वो चला गया। जो ही वो एक कुएं के अंदर कूदने लगा, कूदने की तैयारी कर रहा था, इतने में पीछे से एक महात्मा जी ने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। उससे कहा, भैया तू क्यों मंडा चढ़ता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई काम काज नहीं है, मेरे पास दो समय का भोजन प्राप्त करने का भी मेरे पास पैसा नहीं है, ना मेरे पास कोई काम है, अतः मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया। तो महात्मा ने उसे कहा कि बच्चा एक काम कर, तू अगर मेरी 2 साल तक सेवा करेगा तो मैं, मेरे पास एक मटकी है, वो मटकी मैं तेरे को दे दूंगा। और उस मटकी की खासियत यह है कि उस मटकी में जब जो भी तू हाथ डाल के चीज़ निकालना चाहेगा, हीरे पन्ने सोना चांदी जो भी, वो उससे तू जितना चाहेगा निकाल सकता है। तो तू अगर मेरी 2 साल तक सेवा करेगा तो वो मटकी मैं तेरे को दे दूंगा, और अगर तू मेरी 5 साल तक सेवा करेगा तो मैं तेरे को वो मटकी बनाना भी सिखा दूंगा। तो दोस्तों उसने कहा ठीक है महाराज। वो महाराज की सेवा करने लग गया, गुरुदेव की सेवा करने लग गया। सेवा करते 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 उसको 2 साल पूरे हो गए। उसके पास धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं था, सब्र नहीं थी। उसने कहा कौन 5 साल इंतजार करेगा? उसने महाराज से कहा कि महाराज मुझे तो आप ये मटकी दे दो। तो महाराज ने कहा कि देख बच्चा, मटकी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें तू इससे निकालेगा वो सब तुझे प्राप्त होगी, लेकिन अगर ये मटकी फूट गई तो जो जो चीज़ें तूने इससे निकाली है, जो जो चीज़ें इसके द्वारा तेरे को मटकी के द्वारा प्राप्त हुई है, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी। उसने कहा कोई बात नहीं महाराज। तो महाराज ने वो मटकी उसको दे दी और मटकी ले जाके वो व्यक्ति पहुँचा बाहर और उसमें से सोने चांदी हीरे पन्ने निकालने लगा। निकालते निकालते उसने आलीशान महल बना लिया, नौकर चाकर हो गए, और रोज़ वो उसमें से कुछ न कुछ निकालता रहे निकाले, और आलीशान पैसे वाला हो गया, बहुत अमीर और बहुत आलीशान महल बना लिया उसने नौकर चाकर। और यूँ करते करते दोस्तों, आदमी जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो उसमें कुछ बुराई भी आ जाती है, उसमें भी बुराई आ गई, वो शराब पीने लग गया, और एक दिन शराब के नशे में उस मटकी को लेके डांस करने लगा। और जब डांस कर रहा था, करते करते अचानक एक दिन वो मटकी उसके हाथ से गिरी और फूट गई। और जो ही मटकी फूटी, जो जो उस मटकी के द्वारा उसने बनाया था महल, नौकर चाकर हाथी घोड़े सब के सब समाप्त हो गए, और वो पछताने के लिए और उसके पास में कोई चारा नहीं था। अब वो बैठे बैठे सोचे कि काश मैंने 3 साल और मेहनत कर ली होती और तो क्यों गुरुजी मुझे ये मटकी बनाना सिखा देते, तो आज ये फूटी हुई मटकी अगर मैं वापस बना लेता तो मेरा ये जो कमाया हुआ जो सारी चीज़ें थी वो जो चली गई वो वापस आ जाती, या मैं अगर मटकी बनाना सीख जाता तो ये चीज़ें मैं वापस प्राप्त कर सकता था। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आपको ये बिजनेस बिल्ड करना आना चाहिए, आपको बिजनेस बनाना आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों कि कुछ लोग छोटी मोटी रॉयल्टी स्टार पिन इस पे आते ही नाचने लग जाते हैं और वो मटकी को फोड़ देते हैं। आप दोस्तों ऐसा करते ही नहीं करें। ये डायरेक्ट सेलिंग 2-5 ईयर प्लान है, आपको इसमें 5 साल लगाने ही पड़ेंगे, आपको 5 साल लगाने ही पड़ेंगे। 5 साल लगा के आपको इस सिस्टम को बनाना सीखना पड़ेगा। और ये सिस्टम क्या है दोस्तों? लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा, देन लोगों को सिखाना पड़ेगा। लर्न
टीच एंड डुप्लीकेट। आप सीखना पड़ेगा, सीख के फिर लोगों को सिखाना पड़ेगा और खुद के तरह उनको तैयार करना पड़ेगा। गलती क्या होती है, लोग पहले तो सीखते नहीं है, अच्छा सीख लिया तो लोगों को सिखाते नहीं है, अच्छा लोगों को सिखा भी दिया तो अपने जैसे डुप्लीकेट नहीं बनाते। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इसको बनाना सीखना पड़ेगा, तब ही आपका बिजनेस जिंदा रह पाएगा। और आज इस कोरोना के इस विनाशकारी समय में, इस COVID-19 की महामारी में आप अपना बिजनेस को आप कैसे बचा के रखें, आप अपना आप को कैसे बचाएं। अभी जो समय चल रहा है दोस्तों इस महामारी का, इसमें आपको अपने आप को भी बचाना है, आपको खुद को बचाना है और अपने बिजनेस को भी बचाना है, बिजनेस को भी डेवलप करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने आप को बचना है। और आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि गाइडलाइन मोदी जी ने दी है उसका पूरा पूरा पालन करें, अनावश्यक रूप से घरों के बाहर नहीं जाएं, भीड़ भाड़ के जगह पे आप न जाएं, जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, और जब भी घर आए तो अपने जूते चप्पल बाहर खोल के बाहर ही हाथ मुंह अच्छी तरह से साबुन से धोके फिर आप घर में अंदर एंटर करें। कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इस कोरोना इस महामारी से बचाएं। दूसरा दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उस पर कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और आपको आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमारे आर्सेनल के बहुत अच्छे हेल्दी और हाइजीनिक खूब सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे न्यूट्रीजाज की बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, फूड सप्लीमेंट, हमारे फूड सप्लीमेंट न्यूट्रीजाज का बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास में, जो एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट है। न्यूट्रीचार्ज कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट है, जो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होते वो चीजें हम ऊपर से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप PVMF का आप अपने उपयोग में लें। PVMF प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट का 1 सैक रोज सुबह सुबह लेना है, और अगर आप मैन हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन की 1 टैबलेट, और अगर वुमेन हैं तो वुमेन न्यूट्रीचार्ज वुमेन की 1 टैबलेट आप जरूर लें दोस्तों। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो S5 है आप उसको जरूर काम में लें, Omega-3 है उसको काम में लें, आपके व्यू है वो आप काम में लें। ये मेडिसिन नहीं है, ये एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट्स है जो कि आपको भोजन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। और Omega-3 जो हार्ट के लिए और स्किन के लिए जो बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, वो आपके शरीर में भी नहीं बनता है, वो बाहर से ही लेना पड़ता है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। गुड डोट का जो भी पाउच लॉन्च हुआ है उसको आप यूज करें दोस्तों, उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और तीसरा, आपको थोड़ा हल्का फुल्का आपको व्यायाम और योगा करना पड़ेगा। हमारे मनीषा जी का एक प्रोग्राम आ रहा है सुबह मॉर्निंग 6 बजे 6 AM पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है दोस्तों, हेल्थ के लेके, हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें वो योगा भी बता रहे हैं आपको, आपको हल्का फुल्का व्यायाम भी बताते हैं, और आपको कुछ विचार भी, वो बड़े अच्छे विचार उनको उनके सुनने को मिलेंगे आपको। तो वो प्रोग्राम सुबह 6 बजे आता है, उसको आप देखें, अटेंड करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इम्यूनिटी पावर अगर आपका अच्छा होगा तो कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती। तो आपको क्या करना है,
आपको हमारे आरसीएम के जो भी अच्छे प्रोडक्ट है, हेल्दी प्रोडक्ट है, हाइजीनिक प्रोडक्ट है, उनको आपको यूज करना है, आपको योगा करना है, आपको हल्का 5-10 मिनट के लिए आपको व्यायाम करना है सुबह सुबह, और तीसरा आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो भी आपको अभी एक गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूरा पूरा पालन करना है, कोरोना से आपको बचना है, इस तरह से आप कोरोना से बच सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो हुआ आपको खुद को बचाना है, अब आपको अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है इस अपने कोरोना के इस युग में, आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों कि आप हर वक्त अपने डाउनलाइन के साथ संपर्क में रहें, आप हर वक्त अपनी अपलाइन के साथ संपर्क में रहें। अब ये संपर्क आप मोबाइल द्वारा भी कर सकते हैं, आप जूम मीटिंगों द्वारा कर सकते हैं, आप यूट्यूब द्वारा कर सकते हैं, आप फेसबुक के द्वारा आप उनके संपर्क में रह सकते हैं, आप टेलीफोन के द्वारा उनसे संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको उनके हर वक्त आपके डाउनलाइन और अपलाइन के साथ संपर्क में रहना चाहिए। मैंने देखा दोस्तों, मैंने 2011 के अंदर ये नोट किया है, जब एक मुश्किल का दौर आरसीएम पे आया था, उस वक्त दोस्तों जो जो लोग, जो जो सीनियर अपने डाउनलाइन के टच में थे वो जिंदा रहे, और जो अपने डाउनलाइन के टच में नहीं थे वो इस सिस्टम से आउट हो गए दोस्तों। मैंने देखा है, मैंने बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं ऐसे, जो अपनी डाउनलाइन के फोन नहीं उठाते थे, उनको जवाब नहीं देते थे, डाउनलाइन ने उनको भी दूर कर दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आप इस युग में, इस समय, इस महामारी के इस दौर में आपके बिजनेस को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके डाउनलाइन के साथ संपर्क में रहें, अपलाइन के साथ संपर्क में रहें, साथ ही साथ आपके पिकअप सेंटर के संपर्क में रहें। अगर आप पिकअप सेंटर के संपर्क में रहेंगे दोस्तों तो मान के चलिए कि जो भी प्रोडक्ट अगर पिकअप सेंटर पे आ रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको होगी, वो जानकारी आपको होगी, और वो जानकारी पहले आपको देगा क्योंकि आप उनके संपर्क में हैं। वो बताएगा कि सर जो कल प्रोडक्ट आप लेने आए थे वो आज प्रोडक्ट आ चुका है, और जो ही आपको पता चले कि पिकअप सेंटर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं, आप अपनी पूरी डाउनलाइन को बताएं दोस्तों। तो आप इन तीन चीज़ों में, आप डाउनलाइन के संपर्क में रहें, अपलाइन के संपर्क में रहें और पिकअप सेंटर के संपर्क में रहें, और अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी दुकान अपनों के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ अभी तक नहीं है तो दोस्तों इसको कर लें। करना क्या है, आप 5,000-10,000 का सामान आप घर में ऑलरेडी ला रहे हैं, उसको थोड़ा बढ़ा लें, 15,000-20,000 का वो सामान आप परचेज करके लिए आए। और इस युग में आज व्यक्ति बहुत डरा हुआ है दोस्तों, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, उसको खतरा है, वो सोचता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं कोरोना की चपेट में नहीं आ जाऊं, अतः वो चाहता है कि कोई सारे सामान जो मेरे जो जरूरत का सामान है वो मुझे घर ही मिल जाए, ऐसा आम व्यक्ति चाहता है। तो अगर दोस्तों आपके पास में वो प्रोडक्ट, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आप फोन द्वारा आपके गली मोहल्ले गाँव में लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और यूं करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी दुकान अपनों के लिए ये ज़रूर आप अपने घर में लगाएं और अपने डाउनलाइन के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा दोस्तों कि इस बिजनेस को अगर आपको वास्तव में बिल्ड करना है, इस बिजनेस के द्वारा आपको डायमंड की एक बड़ी पिन प्राप्त करनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं मेन तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। उन्हें पहली चीज़ है दोस्तों कि आप नज़र रखें। नज़र किस पर रखें, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे आरसीएम से क्या प्राप्त करना है। गलती क्या होती है दोस्तों कि लोगों के टारगेट होते ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं होता है, उनका कोई लक्ष्य होता ही नहीं है कि मुझे आरसीएम पे क्या प्राप्त करना है।
दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, उसको अपनी डायरी में नोट करें और उसके आगे एक डेट और डाल दें कि 2021 में मुझे आरसम से कार प्राप्त करनी है, लिखें। मुझे 2022 में आरसम से ये चीज़ प्राप्त करनी है, 2023 में मुझे ये चीज़ लेना है, 2024 में मुझे ये चीज़ लेनी है, 2025 में मैं ये चीज़ लेके रहूँगा, लिखें। और दोस्तों मान के चलिए, अगर आप लिखेंगे, लोगों से वो बताएंगे, डाउनलाइन के साथ शेयर करें, अपलाइन के साथ शेयर करें कि मैं आरसम से ये चीज़ प्राप्त करके रहूँगा, तो दोस्तों ऊपर वाला भी सुनता है। और ऊपर वाला जब सुनता है तो वो एक ही बात बोलेगा, ततास्तु, वो आपको 100% देगा। तो दोस्तों अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पे हर वक्त अपनी नज़र रखें। खाली लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने लक्ष्य बना लिया, लिख लिया और उससे काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, उसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। जो आपका लक्ष्य है, जिस तरह का आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के हिसाब से आप काम करें। कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे बड़ा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, खबर रखें। खबर किन की रखें? अपनी डाउनलाइन की। जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वेबिनार के द्वारा कहना चाहता हूं कि उसको 5000 बीवी से ही कराएं, यानी डायमंड क्लब से ही उसकी एंट्री कराएं। 1000-2000 की खरीदारी करा के उसको ज्वाइन करा से कोई मतलब नहीं, भूल जाइए। आज से आप प्रण ले लें कि जिसको भी आप ज्वाइन कराना है दोस्तों, उसको 5000 बीवी से ही ज्वाइन कराएंगे। वरना आप प्रोडक्ट देते रहे, क्या दिक्कत है? आप प्रोडक्ट उसको ले जाके देते रहे और वो यूज करते रहे। लेकिन अगर ज्वाइन कराने की बात हो तो डायमंड क्लब से ही उसको ज्वाइनिंग करानी है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगले ही महीने उस व्यक्ति के खाते में 500-700 का फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक जो समस्या होती है कि सर मेरे पैसा नहीं आया, मेरे तो आरसे में कुछ भी नहीं आया, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। अगले ही महीने अगले के खाते में 500-700 का जब फंड ट्रांसफर होगा तो वो बहुत खुश होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि पहला पहला चेक जब हमें भी आया था तो कितना अच्छा लगता था। तो दोस्तों आप जिनको भी ज्वाइन कराते हैं उनको 5000 बीवी से ही ज्वाइन कराएं और उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। खबर रखें उनकी। खबर क्या रखें? कि वो अभी इस सिस्टम में नए हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो आप आरसीएम की वेबिनार सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो आरसीएम के पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो आरसीएम की जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वो अभी नया है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। और जिस दिन दोस्तों वो शुरू हो जाएगा, वो भी गुरु बन जाएगा, वो भी गुरु बन जाएगा। तो दोस्तों जिनको भी आप ज्वाइन कराते हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। रख सकते हैं दोस्तों? और तीसरी चीज सबसे बड़ी वो है सब्र रखें, पेशेंस रखें। आपको मटका बनाना आना चाहिए, मटका बनाना सीखना है। आपको 2 साल तक काम नहीं करना है, आपको गुरुजी की 5 साल तक सेवा करनी है। सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। और दोस्तों सब्र रखेंगे लाखों रुपए एकदम नहीं आएंगे, इसमें धीरे रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लगन के साथ लगातार लगे रहना पड़ेगा, तो ये चीजें पॉसिबल होगी। यानी आप सब्र रखें। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको, नजर रखें, खबर रखें और सब्र रखें। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है, लोग पूछते हैं मुझे कि सर इतने पैसों का क्या करते हो? तो मैंने कहा यार क्या था, इतना तो पैसा खैर अभी नहीं है कि अंबानी या वो बन गए, लेकिन फिर भी
औरों से अच्छे हैं। दोस्तों, मेरे पास जयपुर में करीब करीब 4-5 मकान हैं, 4-5 गाड़ियां हैं, 50-60 प्लॉट हैं। पुष्कर में मेरा फार्म हाउस है, निमाज में मेरा आलीशान बड़ा सारा मकान है। निमाज में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 मकान है मेरे पास। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ दोस्तों। घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना, जो मेडिकल लाइफ में मैं नहीं कर सकता था, आज इस आश्रम ने मुझे घूमने का भी खूब मौका दिया दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला मुझे इस सिस्टम के द्वारा। मेरे दो बच्चे थे, उनकी मैंने शादी कर दी। दोनों बच्चों को मैंने दो दो किला सोना दिया, लग्जरी कारें दी, आलीशान हेरिटेज हवेली जयपुर में उनकी मैंने शादियाँ की, और अच्छी लाइफ स्टाइल दोस्तों मैं जी रहा हूँ। और अभी तक तो करोड़ों रुपए आए हैं, आगे आने वाले समय में ये करोड़ों से भी आगे अरब भी हो जाएंगे। बस मैं तो अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बहुत बढ़िया सिस्टम है, इस सिस्टम में आइए, ये सिस्टम आप लोगों के लिए है। और आज का, आज इस समय की मांग है, आज का जो ये माहौल है, जो पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटर जो हम डायरेक्ट सेलर्स जितने भी हैं, उनकी सेहत पे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी पिछले मैंने जो बिजनेस था, इस महीने मेरा बिजनेस 4-5 करोड़ का जंप हो रहा है। यानी कहने का मतलब है, पिछले महीने जो मेरा चेक था, इस महीने का चेक उससे बढ़ के होगा। हमें कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आज के इस माहौल में बहुत से लोगों को चिंता है कि उनकी फैक्ट्री बचेगी कि जाएगी, उनकी दुकानें रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी सैलरी का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मुझे 1% भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आज से 20 साल पहले इस डायरेक्ट सेलिंग, इस अनोखे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। और आप लोगों को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि दोस्तों, आप भी इस आलीशान बिजनेस को करें, और करें क्या, सही सच्ची लगन के साथ लगातार लगे रहें, टिके रहेंगे तो ही दोस्तों आप टेक्निकल भी पहुँचेंगे। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों इस सिस्टम में कि बहुत से लोग टिकना नहीं चाहते, आज यहाँ, आज कहीं और, कल कहीं और, परसों कहीं और, घूम फिर के फिर वापस, ऐसा नहीं करें। आपने अगर एक दफा किसी चीज़ को ज्वाइन कर लिया, अगर आप आरसीएम में आ गए हैं, तो अब इसमें ही लगे रहें दोस्तों। मैं, मेरी सफलता का एक ही राज है कि मैंने आज तक भी आरसीएम के अलावा मैं किसी भी प्लान को नहीं जानता हूँ, ना मैंने कोई प्लान देखा, ना मैं देखना चाहता हूँ। और दोस्तों, मेरी तो यहाँ तक नेचर है कि जो आरसीएम नहीं करता वो मेरा नहीं है, जो आरसीएम करता है वो ही मेरा है, बस। यानी कहने का मतलब है, आरसीएम के अलावा मैं दूसरा और कुछ ना तो देखना चाहता, ना उससे बात करना पसंद करता हूँ। ये मेरी नेचर है, और इसी नेचर के कारण दोस्तों मैं डायमंड की पिन पे हूँ। मैंने आरसीएम से प्रेम किया है, तो बस आरसीएम के अलावा और कोई कुछ भी मेरे बीच में नहीं आ सकता। अतः आप लोग भी यही कर लेना दोस्तों, कि अगर आपने आरसीएम से, आरसीएम को अपना लिया है, तो फिर इसको छोड़ना मत। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आपके साथ समस्या आ जाए, आप इसमें लगे रहना। हमारे सामने भी बहुत समस्या आई थी, बहुत परेशानी आई थी, लेकिन दोस्तों हम लगे रहे। आज तो हाईवे तैयार हो चुका है, आज बहुत कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तो पहले थी दोस्तों, जब किट नहीं मिलते थे, एक प्रोडक्ट एक हुआ करता था,
ना ऐसी कोई रॉयल्टी टेक्निकल थे, ना कोई लीडर्स थे, ना कोई आपके अपलाइन थे। वो दिन अलग थे दोस्तों। आज तो हाईवे तैयार हो चुका है, अब तो इस हाईवे पे आप अपनी गाड़ी को लगाएं और एक्सीलरेटर दबा के बैठ जाएं। आप कितनी तेज स्पीड से दौड़ना चाहते हैं अपनी गाड़ी को दौड़ाएं। बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो चुका है, खाली गलती अगर है तो आपकी है। आपको सावधानी पूर्वक इस को अपनी कार को इस हाईवे पे चलाना है। और अंत में दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आइए, ये सिस्टम आप लोगों का स्वागत कर रहा है, ये सिस्टम आप लोगों के लिए है, और आने वाला जो भविष्य इस सिस्टम का है, इस डायरेक्ट सेलिंग का है। दोस्तों कहते हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है, इसके अलावा और कुछ भी चलने वाला नहीं है। समय बदल जाएगा दोस्तों, सब कुछ बदल जाएगा। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कि ये कोरोना यूँ ही चला जाएगा? ये कोरोना साल, दो साल, चार साल नहीं जाने वाला दोस्तों। क्या आज हमारे साथ टीबी आज भी है? टीबी की बीमारी आज भी, पोलियो की बीमारी है, चेचक आज भी है, एचआईवी आज भी है। सेम दोस्तों, हमें इस कोरोना के साथ भी हमें रहना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, ऐसी वेबिनार आपको नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। भूल जाइए आप कि हॉल में 5-5, 10-10 हज़ार की मीटिंग चल रही है, ओपन में 10-10 हज़ार लोग बैठे मीटिंग देख रहे हैं, या हॉल में 1,000-1,000, 1,500-1,500 लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। समय बदल गया दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना पड़ेगा। और इस नई टेक्नोलॉजी के इस नए सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा, यही समय की मांग है। इसी से हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। और धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अभी इस माहौल में आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करें, जूम मीटिंग के द्वारा आप लोगों के संपर्क में रहें, यूट्यूब द्वारा रहें, फेसबुक मोबाइल के द्वारा अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ संपर्क में रहें। हमारे जो 4 से 5 बजे तक कोर लेडीज़ की जो यूट्यूब पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको देखते रहें। 11 बजे हमारे प्रोडक्ट चैनिंग मीटिंग चलती है, उनको आप अटेंड करें। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको आप अटेंड करके अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और अंत में मैं इन दो लाइनों के साथ मेरी बात को विराम देना चाहूँगा कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा कर रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर जीत की उम्मीद जिंदा रख। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।